परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है। अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवन मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अतः उस परम गुरु के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरु वंदना प्रस्तुत की जा रही है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवम् परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारम् अंतर्यामी।
उपकारी सत पंथ चलायो वेदों का संकलन किया, वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, स्वयं उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भगवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां परस्पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष्य है एक परमात्मा की शोध। कल्याण स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ क्यों? इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश, ये गीता कैसेट। धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद्ध तथा पूर्ण विवरण योगेश्वर श्री कृष्णोक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है, वो सब का सब तथा अनेक गोपनीय स्थितियों का स्पष्टीकरण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का अतर्क शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि
कि जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तो संपूर्ण निशांतर कौरवों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महर्षि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतीकात्मक हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। उसकी दृष्टि में श्रेय का उपाय था कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर से बचाव, कुल क्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादि। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हेतु भगवान को उसे 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवन, मेरा मोह नष्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुतः ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बल्कि मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। इसलिए स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, मानव मात्र के लिए गीता के 18 अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितांत आवश्यक है, जिससे ब्रह्म विधि की स्मृति सृजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो सके। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य उस ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शांति, लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसेटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रवण से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें। संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अमृत वाहिनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरव का विषय है कि 5000 वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूढ़ियों से ग्रस्त मस्तिष्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पथ पर चलने के लिए इन कैसेटों का प्रसारण प्रातः अवश्य करें। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्री मद भगवत गीता, अथ प्रथमो अध्यायः। राष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है
अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है, वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। धर्म एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, ये शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है, वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, गुण उससे करा लेते हैं। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वो कहां है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिधीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। आगे इन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती, ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है, यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्वैत के आचरण ही द्रोणाचार्य हैं। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है।
मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है दुर्योधन, दुरु अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह। ये प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढ़ाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखी। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है, यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कर टेका, साधन कठिन नहीं मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। धृष्ट केतुः दृढ़ कर्तव्य, चेकितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराजः काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है, पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजाः शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य लावण्य सौम्यता स्थिरता सहृदयता, सब के सब महारथी है, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी
मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्ति विद्यमान है, जैसे अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वो पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं, भ्रम रूपी पितामह भीष्म हैं। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, ये जीवित था, शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था, ये है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमय घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वो नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए, पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है, माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा।
इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण और भ्रममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। ये सभी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त, जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म है तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय है। अजेय का ये अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए, मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत तदैक्षत बहुस्याम प्रजाये ये इति। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं तिनका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त काम आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म व सन
ब्रह्मा पियेति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता, वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है, और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भावे विद्यते देवः, भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव वस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन, श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्ति का विकास है। ये पुण्य का संरक्षक है। है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्ति विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति से भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वो तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये ब्रह्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्।
तदनंतर अनेक शंख, नगारे, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हयैर् युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यन्दने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक, पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्यस्ते हम, भगवन मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें, ये सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देव दत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया।
भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया, भाव में ही वो प्रीति निहित है। इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिरः सह युधिष्ठिरः, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सान्निध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काया रूपी काशी, पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वासः परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं
और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराटः सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं, तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है, भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनह शनह क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका, ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है।
कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपि ध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहां कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदर ही। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहां सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करे। यावदेतान् निरीक्षेहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान वेक्षेहम् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम् समवेतान कुरु नीति। संजय बोला, निद्रा जयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महीक्षिताम, शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है, ये परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को,
पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वसुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 2.5-3 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। ये हृदय देश का चित्रण है। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशीदन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतप्त हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वो कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीविते नवा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों?
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर, भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी, किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे, इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी, जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वसुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान् नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीन लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या? 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है। सभी चाहते हैं कि हम भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि हमें किन से लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है। वो चाहता है कि हमारे पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर लें। किंतु जब वो समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वो अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहां हुआ? जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के स अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इहैव तैर्जितः
सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः। केवल अर्जुन अधीर था ऐसी बात नहीं है, अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी, वो त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है, आत्मदर्शन में बाधक काम क्रोध लोभ मोह आदि का समूह ही आतताई है। तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबांधव कैसे, वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ये मामा हैं, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे। मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। ये अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, ये उनकी कमी है। फिर भी कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। कृष्ण पर भी आरोप लगाया, अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता।
प्रत्येक नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझे किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आर्ष्णीय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाशरणेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता।
अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वो कृष्ण को ही समझाता है कि उस पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रासाद में रहे, किंतु दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष: गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया, शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली, तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं, एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साधकर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है, युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है।
अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना शक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है, इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है, सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है।